एचआईवी एड्स बीमारी का तोड़ निकाला डॉक्टर अरुण त्यागी ने, वो भी आयुर्वेदिक। एचआईवी एड्स पूरे विश्व में एक भयंकर बीमारी फैली हुई है। इस बीमारी के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। एक समय में इस बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन अचानक यह बीमारी बड़े पैमाने पर पूरे देश में फैलने लगी और आज भी इस बीमारी का डर लोगों के अंदर बसा हुआ है। रोहिणी के सेक्टर 15 में मानव चौक के पास ग्लोबल क्लिनिक में डॉक्टर अरुण त्यागी ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला है। एचआईवी एड्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण त्यागी ने आयुर्वेदिक दवाई पर रिसर्च कर इस बीमारी का तोड़ निकाल लिया है और डॉक्टर अरुण त्यागी को इस बीमारी का तोड़ निकालने में करीब 10 साल लग गए और आखिरकार डॉक्टर अरुण त्यागी ने एचआईवी एड्स की आयुर्वेदिक दवा बना ली। लेकिन भारत के कई डॉक्टरों ने दावा किया, लेकिन वह सब डॉक्टर अपने रिसर्च में फेल हो गए। लेकिन डॉक्टर अरुण त्यागी इस रिसर्च पर खड़े उतरे। उन्होंने आयुर्वेदिक दवा में इस बीमारी से होने वाले लक्षणों में काफी बदलाव आया। डॉक्टर अरुण त्यागी ने अपनी इस आयुर्वेदिक दवा के द्वारा कई मरीजों को ठीक किया है और सीसीएन न्यूज के संवाददाता गिन्नी कत्याल ने उन एचआईवी एड्स के मरीजों से भी बातचीत की और उन मरीजों ने बताया कि डॉक्टर अरुण त्यागी द्वारा दी गई आयुर्वेदिक दवाई से उनकी यह बीमारी काफी हद तक खत्म हो गई है। मैं इस समय मौजूद हूँ सेक्टर 15 रोहिणी ग्लोबल क्लिनिक के अंदर। इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुण त्यागी जी। आइए बात करते हैं उनके एक्सपीरियंस और उनके रिसर्च के बारे में। सर, आपने ये जो रिसर्च किया एचआईवी के बारे में, एचआईवी पे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी। मैडम, मेरे को 11 साल हो गए हैं इस पर काम करते करते और आज की तारीख में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। देखिए, आपने सीधा ही बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया है कि जिंदगी के 11 साल जिसको गुजर गए हों उसको कुछ ही टाइम के अंदर एक्सप्लेन करना मुश्किल है। मगर इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ उन एचआईवी पेशेंट्स के लिए जो बेचारे परेशान हैं, जो मौत से घबराए हुए हैं या एक बदतर जिंदगी जी रहे हैं, आज उनके लिए ये खुशखबरी हो सकती है। इन 11 साल के अंदर हमने कुछ इस तरह की जड़ी बूटियों से कुछ दवाइयाँ तैयार की हैं जो उनकी CD4 सेल, जिसको इम्यूनिटी सेल्स बोलते हैं, उनको तेज़ी से बढ़ा देती है। जब ये सेल अपने नॉर्मल कंडीशन में 500 से 1500 के बीच में आ जाती हैं तो पेशेंट को एड्स होने का खतरा नहीं रहता। ये CD4 सेल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स होती हैं, रेड सेल्स, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। तो जो वाइट सेल्स होती हैं ये हमारी इम्यूनिटी को तैयार करती हैं, इन्हें टी सेल भी बोलते हैं। हर समय जब भी हम सांस ले रहे हैं हमारे अंदर बैक्टीरिया जा रहे हैं, वायरस जा रहे हैं, और हम पानी पिया, खाना खाया, हर तरीके से हमारे अंदर हर समय ये वायरस, बैक्टीरिया, फंगी पहुंचते रहते हैं जो बीमारियां पैदा करते हैं। मगर भगवान ने हमारे अंदर ये जो सेल्स बनाई हैं, कई तरह की सेल्स होती हैं, रडार सेल्स होती हैं जो बताती हैं कहाँ से इन्फेक्शन आया है, ये उनसे फाइट करती रहती हैं, उनको हाथ के हाथ मारती रहती हैं। लेकिन इसमें यही प्रॉब्लम है कि हम इसको जल्दी क्योर नहीं कर पाते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये कोई सिम्टम देगा ही देगा, हो सकता है सिम्टम ही ना दे। वैसे इन जनरल जो हमारी बुक्स में या वैसे है, जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उससे 8 या 10वें दिन प्रीमिलरी साइन बोलते हैं, प्रारंभिक जो लक्षण आते हैं, 7वें 8वें दिन आपको फ्लू जैसे सिम्टम्स आएंगे, जैसे आपको छींकें आ रही हैं, सर दर्द है, हल्का बुखार सा है, इस तरह की। आप दवाई खाएंगे तो भी ठीक हो जाएंगे और अगर दवाई नहीं खाएंगे तो भी वो 24 से 48 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद में ये वायरस साइलेंट हो जाता है, फिर आपको कोई सिम्टम नहीं दिखलाई देगा और 7-8 साल तक भी ये ऐसे चुपचाप पड़ा रह सकता है, सेल्स को मारता रहता है अंदर अंदर। मुझे 1 साल हो गया। 1 साल? हाँ। आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कब से करा रहे हैं? यहाँ ट्रीटमेंट लेते हुए मुझे 11 महीने हो गए हैं। 11 महीने? तो आपके रिजल्ट्स कैसे हैं, इम्प्रूवमेंट हुई कुछ? रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ आई थी तो मेरा वायरल लोड 9 लाख के करीब था और आफ्टर 3 मंथ के ट्रीटमेंट के बाद ये घटकर 5 लाख रह गया और मैं कंटिन्यू मेडिसिन ले रही हूँ यहाँ से। और अभी आप मेरी रिपोर्ट देख सकते हैं जिसमें मेरा वायरस लेस देन 20 रह गया है।
मैडम सचिन दिसोदिया है और मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, गुड़गांव से। और अभी क्या था कि मेरे एक पैसे फ्रेंड हैं, उनको HIV रिलेटेड प्रॉब्लम है और मैंने काफ़ी नेट पे और हर जगह पे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में उनके दिखाया, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया। और मुझे ये लग रहा था कि मैं एक अच्छा दोस्त खो दूंगा इस दुनिया से, अपने साथ से, अपने जीवन से, जो भी है। लेकिन मुझे किसी ने सजेस्ट किया, एक SS करके मिस्टर डॉक्टर त्यागी हैं और दिल्ली रोहिणी सेक्टर 15 में है, उनका ऑफिस है, उनका जो भी है क्लिनिक है। और मैंने नेट पे भी काफ़ी सर्च किया उनके बारे में, पहले अपने तरफ से अच्छी तरीके से उनको जो भी है मेंटेन किया, जो भी क्या करते हैं क्या नहीं करते, उनका वर्क स्टाइल क्या है, किस तरीके से मेंटेन करते हैं अपने पेशेंट्स को। देन मैं अक्टूबर 2017 के अंदर अपने पेशेंट को यहाँ पे लेके आया और विद इन 2 मंथ के अंदर मुझे इतना अच्छा रिजल्ट नज़र आया कि मैं शायद आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। और जो मेरा फ्रेंड है, आज मुझे लगता है कि आज मेरा फ्रेंड मेरे साथ रहेगा।